आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन आप सब भारतवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि धनतेरस जो है वो हिंदू धर्म में जिस तरह से बहुत ही पवित्र त्यौहार है, उसे बहुत ही खूबसूरती से मनाया जाता है। वहीं पे मैं आपको बता दूं, धनतेरस के दिन बर्तन, सोना और चांदी खरीदने का जो है वो विशेष महत्व है। इसी के साथ अभी मैं मार्केट में हूँ और मार्केट में आप देखिए किस तरह से जो है ह्यूज रश है यहाँ पर। और सामने मैं बता दूं, आप जरूर आए, आप सोना चांदी बर्तन खरीदने जरूर आए, पर उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, इन्होंने मास्क नहीं लगाया था, यानी इन्होंने मास्क नहीं लगाया था, तो इनको जो है वो चालान किया जा रहा है। बिना मास्क के जो यहाँ पर बाजार में आज दिखाई देगा तो उसको जो है भारी चालान जो है वो किया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस कर्मियों द्वारा जो है ये इस विशेष व्यक्ति को जो है वो चालान किया जा रहा है। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर मास्क नहीं पहना था और बिल्कुल उन्होंने पुलिस वालों को जो है वो चालान पे किया है और इन्हें मास्क नहीं ही पहनने का चालान जो है वो हुआ है। अगर आप घर से मार्केट की तरफ आ रहे हैं, धनतेरस है क्योंकि आपको जो है वो खरीद व फरोख्त करनी है, तो लेकिन आप मास्क जो है वो जरूर लगा कर आए। अगर आप बिना मास्क के आएंगे तो आपको हो सकता है चालान, और हमने आपको विजुअल्स में दिखा भी दिया कि आपको जो है वो चालान किया जा सकता है। अभी मैं आपको मार्केट के दृश्य दिखा दूं, अगर हम चारों तरफ से आपको मार्केट दिखाएं तो मार्केट में जो है वो बहुत रश है अभी इस समय, तो मार्केट जो है वो लोगों से खचाखच भरी हुई है। इसी के साथ अगर मैं धनतेरस के दिन की बात आपको बताऊं तो धनतेरस के दिन से देखिए सामने जो है इनका मास्क जो है वो जेब में है, तो इन्हें भी जो है वो पुलिस द्वारा जो है वो मास्क पहनाया जा रहा है। तो आप देखिए जो है फाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है आप उनको फाइन भरना पड़ेगा। बिना मास्क के अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। वहीं पर अगर कोरोना की बात करें, कोरोना का खतरा अभी जो है वो टला नहीं है। तो उसी के साथ अगर मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर जो है वो मास्क का चलान किया जा रहा है। धनतेरस के दिन अगर मैं बताऊं, 5 दिनों तक चलने वाला दीपोत्सव पर्व आज से आरंभ हो गया है। यानी 5 दिन तक ये जो चलने वाला धनतेरस का त्योहार, 5 दिनों तक चलने वाला दीपोत्सव पर्व आज से आरंभ हो गया। धनतेरस पर आज त्रिपुष्कर योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग में खरीदारी, निवेश और शुभ कार्यों की शुरुआत करने पर इसमें 3 गुना का लाभ मिलता है। ठीक है, लोगों को यही हिदायत दी जाती है कि कोविड का की एसओपी को फॉलो करें और धनतेरस के चलते लोगों को प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना कितना जरूरी है सर। ये तो लोग हमसे बेटर जानते हैं कि एसओपी को फॉलो करो। ठीक है, धन्यवाद सर। तो यहीं पर मैं आपको बता दूं, आज धनतेरस का ये योग जो है सुबह से लेकर दोपहर तक करीब 12 बजे तक जो है वो रह रहा है। उसी के साथ यहाँ पर आज कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। धनतेरस पर शाम को शुभ खरीदारी का समय प्रोक्तकाल 5:35 से शुरू होकर 8:11 तक रहेगा। वही धनतेरस पूजा का मुहूर्त शाम 6:17 से लेकर 8:11 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में यम दीपावन भी करने का जो है वो शुभ मुहूर्त है। वहीं पर मैं आपको ये जो लगातार ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ, ये मैं तस्वीरें आपको परेड के जो मेन बाजार से दिखा रही हूँ। तो वहीं पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिस तरह से मार्केट्स की बात करें, मार्केट्स में जो है वो काफ़ी रश जो है वो यहाँ पर उमड़ कर आया है। जिस तरह से हम धनतेरस की बात करते हैं, इस दिन जो है वो बर्तनों को खरीदना, यानी स्टील के बर्तन को खरीदना जो है वो शुभ माना जाता है। तो लोग जो हैं वो आज जो है यहाँ पर बर्तन खरीद रहे हैं। तो बर्तन खरीदने की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टील के अगर बर्तनों की, सोना चांदी की बात करें, उनका जो है वो विशेष महत्व है यहाँ पर। तो लोग जो है यहाँ पर चल रहे हैं मार्केट में, मैं भीड़ दिखा रही हूँ आपको। भीड़ भी जो है धनतेरस अगर मैं बात करूँ दीपावली से जो है वो पहले आता है। तो वहीं पर जहाँ पर मैं आपको ये बिल्कुल मार्केट्स के दृश्य दिखा रही हूँ, आप भी देखिए कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो घरों से बाहर जो है वो निकले हैं। और लगातार इस बीच जो मैं चालान की बात करूँ, चालान भी जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। और धनतेरस के पर्व का विशेष महत्व है। और तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर जो है वो बाजार से दिखा रही हूँ, और सबको यहाँ पर जो है वो फाइन तो किया जा रहा है, उसके साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है वो उन्हें मास्क भी पहनाया जा रहा है। तो वहाँ पर मैं आपको बर्तनों की दुकानें दिखा रही हूँ जिनके अंदर जो है वो रश है। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर ये बर्तनों की दुकानें हैं, इनमें लोग जो है बर्तनों की
दुकानों में लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर, और ज्यादातर अगर आपको महिलाएं दिख रही होंगी वो बर्तन खरीदते हुए आपको दिख रही होंगी, क्योंकि धनतेरस पर बर्तन जो खरीदने का वो विशेष महत्व है। और इस दिन जो है घर पर अगर बर्तनों की बात करें तो नए बर्तन जो है यहाँ पर लाए जाते हैं। तो विजुअल्स बिल्कुल आपको परेड के मेन बाजार से मैं दिखा रही हूँ, जहाँ पर धनतेरस के चलते जो है भारी रौनक जो है आपको देखने को मिल रही है। दीपावली आ रही है, लोग घरों से बाहर जो है वो खरीदारी करने के लिए जो है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको भीड़ दिखा रहे हैं, उसी के साथ अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर जो है काफी रश है और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, बाजार जो है वो लोगों से भरा हुआ है। ऐसे में जो है दुकानदार और ग्राहक, जो दुकानदार भी खुश हैं क्योंकि ग्राहक जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना की बात करें उसके चलते जो है यहाँ पर जो काम है वो थोड़ा कम था, लेकिन उसी के चलते यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो लोगों का आना जो है वो बाजारों में चल रहा है और धनतेरस की खुशी जो है वो लोग इस कदर मना रहे हैं। आप बाजारों में जो रश है उसे देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये जो रश है बाजारों में उमड़ा हुआ है। नहीं, वो तो पुलिस की ड्यूटी है, बट लोग अपना काम कर रहे हैं, सिटीजन्स को भी अपना काम समझना चाहिए, मास्क पहन के रखना चाहिए, चलो जितना हो सके उतना कोविड प्रोटोकॉल्स को मैनेज करना चाहिए। बाकी पुलिस तो अपना काम करती है, पुलिस अब हर जगह तो नहीं ना पहुंच के कर सकती। थैंक यू सो मच एंड विश यू एवरीवन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग भी जो है वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप बाजार में आ रहे हैं तो आप मास्क पहन कर आइए, बिना मास्क पहने जो है वो यहाँ पर आप नहीं आइए। तो यहाँ पर लोग काफी खरीदारी जो है वो कर रहे हैं। वहीं पर हमने आपको दिखाया कि धनतेरस के दिन यहाँ पर जो है वो बर्तन खरीदना कितना शुभ माना जाता है और लोग जो है वो बाजारों में आ रहे हैं, बर्तन खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो आप सबको जम्मू बुलेटिन की पूरी टीम की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाल ही में दिवाली आने वाली है, अपनी दिवाली भी किस तरह से रंगीन बनानी है और दूसरों की दिवाली भी जो है आपने रंगीन बनानी है। तो जिस तरह से हम बात करें, आपको दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं और आज धनतेरस है, धनतेरस भी मनाइए। और उसी के साथ अभी हम बाजार में थे, अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर बाहर निकले।